जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। प्रधान अश्विनी शर्मा बोले, कानून व्यवस्था बिगड़ी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मैदान में उतरेंगे। पंजाब के जालंधर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। सिर्फ अब प्रत्याशी का नाम ऐलान और उपचुनाव की घोषणा होनी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा है कि जालंधर का चुनाव भाजपा प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, राज्य में फैले भ्रष्टाचार और मौजूदा सरकार की फेल कार्यप्रणाली के मुद्दे पर लड़ेगी। जालंधर में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जायजा लेने पहुंचे भाजपा के पंजाब प्रधान ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मनहाई पर बीज बाजार दिन दहाड़े कत्ल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मान सरकार की नाकामियों को घर घर पहुंचाएंगे। जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हुई बैठक, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने तैयारियों को लेकर हर पहलू पर चर्चा की। बैठक में उद्योग व व्यापारी वर्ग की मुश्किलों, प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, वर्गग्रह पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया, कर्मचारी वर्ग से लेकर व्यापारी वर्ग सभी मौजूदा सरकार में परेशान है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।